साहस सरोकार। मुस्कान आसमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ में वन विभाग मुख्यालय में बड़ा मंगल पर्व के अवसर पर भारत सरकार द्वारा संचालित मिशन लाइफ के तहत प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रदेश के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना के द्वारा प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया। साथ ही इस भंडारे में खास बात ये थी कि किसी भी प्रकार से प्लास्टिक का उपयोग वर्जित रखते हुए बायोडिग्रेडेबल आइटम्स का ही उपयोग किया गया। इसके साथ ही यूपी सरकार के राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने निकाय चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत को लेकर प्राइम टीवी से खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में हर एक विभागों में बेहतरी लाने के लिए हर एक उचित कदम उठाया जा रहा है। अगर बात करें पर्यावरण विभाग और वन विभाग की, तो लगातार इसमें बेहतरी के कई प्रयास किए जा रहे हैं, कई तौर तरीकों में बदलाव किया जा रहा है। आज राजधानी लखनऊ के वन विभाग के कार्यालय पर भंडारे का आयोजन किया गया है। हमारे साथ वन मंत्री अरुण सक्सेना है। सर, अगर बात की जाए तो आज आयोजन किया गया है, क्या खास और क्या अलग है? देखिए, आयोजन हर बड़े मंगल को, जेठ माह के हर मंगल को लखनऊ में और बहुत से ज़िलों में मनाया जाता है। लोग शरबत पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, भोजन कराते हैं, भंडारा करते हैं। उसी क्रम में यहाँ भी हमारा विभाग का कहना यह है लोगों से, इस तरह के कार्यक्रमों में प्लास्टिक का उपयोग ना करो, हमारे कागज़ का या पत्ते का, नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करो पर्यावरण का ख्याल रखते हुए, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, मानव जाति के लिए नुकसानदेह है, इसलिए हम उसका इस्तेमाल को डिस्करेज करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। मतलब बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को उपयोग करें जो जल्दी से ख़त्म हो जाए मिट्टी के अंदर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमको ऐसी ही चीज़ें इस्तेमाल करना चाहिए जो बायोडिग्रेडेबल जल्दी ही हो जाए। प्लास्टिक बहुत देर में बायोडिग्रेडेबल है और बहुत नुकसान होता है, उसके बाद भी पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल नहीं है। मंत्री जी, हाल में उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुए, आपकी पार्टी बीजेपी एक ऐतिहासिक जीत हासिल की, 17 में से 17 नगर निगमों को अपने पाले में किया, वहीं नगर पंचायत और नगर पालिका में बेहतर प्रदर्शन किया, क्या कहेंगे इस ऐतिहासिक जीत पे? देखिए, हमारे केंद्र सरकार मोदी जी, प्रदेश सरकार योगी जी ने जितने अच्छे काम किए हैं, जनता ने उन कार्यों पर मोहर लगाई है, कार्यकर्ताओं की मेहनत, कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से इस चुनाव में मेहनत की है, समर्पित भाव से चुनाव लड़ाया है, इसलिए हम जीते और भारी बहुमत से जीते। अगर बात की जाए तो प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अफसरों के साथ मिलकर बीजेपी चुनाव लड़ी है और बहुत बड़ी इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी की गई है, उनके इस कटाक्ष पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, उनसे ये पूछूंगा, क्या कर्नाटक में भी गड़बड़ी हुई? क्या वहाँ की जो मशीनें थी वो सही थी और यहाँ की मशीनों में गड़बड़ी थी? पहले तो ये बताएं, जहाँ वो हार गए वहाँ गड़बड़ी हुई, जहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं हुई। अगर बात की जाए तो जो तमाम नगर निगम के पार्षद जीते हैं उनकी एक दिन की एक बैठक रखी जा रही है लखनऊ में, 2024 को लेकर कितना तैयार है बीजेपी आपकी पार्टी? बीजेपी हमारी पूरी तरह तैयार है और तैयारी करना है, और हर हालत में हम 2024 में पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, पिछली बार से ज़्यादा सीटें आएंगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं वन क्षेत्र में बेहतरी आई है, और साथ ही साथ उनका साफ तौर से विपक्षियों पे जो तमाम कटाक्ष आ रहे हैं उसको लेके कहना है कि 2024 में हम हर एक सवाल का जवाब देंगे। कैमरामैन विजय के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। देश की आजादी के लिए प्रथम स्वाधीनता संग्राम में सदर ब्लॉक के ग्राम बीजलपुर में 12 मई से 16 मई तक ब्रिटिश सेना के जलीय बेड़े से क्रांतिकारी सेना ने भीषण युद्ध किया था। इस युद्ध में क्रांतिकारी सेना के 81 रण बाकुंडरों ने देश को ब्रिटिश शासन से आजाद कराने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्हीं अमर शहीदों के बलिदान दिवस 16 मई पर बीजलपुर में नवनिर्मित शहीद स्मारक पर डीएम औरैया प्रकाश चंद श्रीवास्तव ने जनपद के आला अधिकारियों सहित
सहित पूर्व ब्लॉक प्रमुख भाजपा राजकुमार दुबे और अन्य पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। सर्वप्रथम जिलाधिकारी पीसी श्रीवास्तव के नेतृत्व में शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके बाद यमुना की जलधारा में शहीदों की याद में 81 दीप प्रवाहित किए गए। उन्होंने सभी गणमान्य देशभक्तों से बीजलपुर स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन करने की भी अपील की है। मुखर होकर ये बात नहीं आई थी, मगर हमारे एक अविनाश जी हैं, इन्होंने इस पे शोध किया, तमाम ऐसे स्थल निकाले जहां पे शहादत गांव के लोगों ने दी थी। ये स्थल प्रकाश में आया और इन लोगों की मांग थी कि यहाँ पर एक शहीद स्मारक बने, तो जिला पंचायत के सहयोग से हम लोगों ने भी प्रयास किया और आज के डेट में यहाँ पे हम लोगों ने एक स्मारक बनाया। आज चूंकि उन्हीं का दिन है तो हम सभी अधिकारी और सारे ग्रामवासी, सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए हैं। हमने उस शहीद स्मारक पे पुष्पांजलि देकर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। फिर पंच भाइयों का एक पेड़ है, आप वहाँ भी देखिएगा, पाँच भाइयों की एक साथ पेड़ पे फांसी की शहादत हुई थी, उनकी याद में प्रकृति ने बार बार वो एक ही जड़ से पांच पेड़ निकलते हैं, ये तो प्रकृति का भी एक तोहफा है हमारे शहीदों की। औरैया में अरवा कटरा बाजार में भरे गंदे पानी का समाधान नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। बता दें कि इतनी गंदगी में से एक युवक का जनाजा कब्रिस्तान ले जाया गया। जनाजे में शामिल होने आए रिश्तेदारों ने बताया कि हमारे मजहब में जनाजे में शामिल होने के लिए लोग स्नान करके पाक होकर जाते हैं। कब्रिस्तान जाने के लिए एकमात्र रास्ता कटरा बाजार की गली है, जिस पर नाली का गंदा पानी पूरे रास्ते पर भरा है। ऐसे में अगर जनाजा गंदे पानी में घुसकर निकलता है तो सभी नापाक हो जाएंगे। वहीं कस्बे के लोगों ने कस्बे के बाजार में भरे गंदे पानी को लेकर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रशासन से समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। भाई मृत्यु हो गई है, यहाँ पे पानी भरा है, यहाँ पे आने में तकलीफ होगी, लोग बाग नहा धो के आएंगे, पाक आओगे, लेकिन इस पानी गंदे पानी में आदमी नापाक हो जाएगा, इस वजह से निशानी पड़ेगी। क्या नाम भाई का? मोहम्मद सोहेल। तो ये टेंट से ला के आप लोगों ने बिछाया है, कहाँ तक बिछाएंगे? यहाँ से बिछाएंगे कब्रिस्तान तक। बराबर पूरी सड़क पर पानी है? यस। हाँ, ये मेन सड़क है क्या? मेन सड़क है, कटरा बाजार वाली सड़क है, ये थाने के पास अहरवा कुली, और ये यहाँ पे बहुत पानी है, यहाँ पे बाजार भी लगता है। तो आज ये टेबल बिछाई जा रही है, इसका क्या है? इसमें सर डेथ हो गई है सोहेल की, तो इसीलिए यहाँ पे पानी भरा है बहुत गंदा, तो इसी कारण बस यहाँ पे जो है अभी टेबल बिछवाए गए हैं, और यहाँ पे प्रधान जी कोई सुनवाई नहीं करते। तो उच्च अधिकारियों से नहीं आपने कहा अभी तक ब्लॉक में? ये कहा है प्रधान जी ने कि हम बनवा देंगे इसको। काफ़ी लोग शिकायत कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। फरीदाबाद पुलिस ने सोनीपत में नगर निगम कमिश्नर के पद पर तैनात रहे धर्मेंद्र सिंह को 1,11,00,000 रुपए के रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है। बता दें कि गिरफ्तारी बीती देर शाम उनके निवास स्थान गुरुग्राम से की गई है। गौरतलब है कि दिल्ली निवासी ललित मित्तल फरीदाबाद के कोतवाली थाने में टेंडर दिलाने के नाम पर उनके साथ 1,11,00,000 रुपए धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया था। उसी मामले में चल रही तफ्तीश में IAS धर्मेंद्र का नाम सामने आया, जिसके चलते उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आज कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग की गई। मामला पूरा क्या है और आपने क्या-क्या? मामला यह है कि जिस मुलजिम को गिरफ्तार किया है उसके खिलाफ एलिगेशन ये है कि जब वो सोनीपत पोस्टेड थे तो कोई टेंडर एनहांसमेंट के लिए किसी आदमी ने पैसे मांगे थे, और ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो टेंडर एनहांसमेंट के लिए पैसे इनको दिए। इसमें एक मुलजिम पहले गिरफ्तार हो चुका है, जो माध्यम बताते हैं वो आदमी मना कर चुका है कि ना मैंने पैसे लिए, ना मेरी कोई वॉइस रिकॉर्डिंग है, ना मेरी इनसे कोई बातचीत हुई है। तो अब ये लोग रिमांड मांग रहे हैं कि इस केस के बारे में इन्होंने को पूछताछ करनी है और पैसे बरामद करने हैं, डॉक्यूमेंट्स बरामद करने हैं, डॉक्यूमेंट सारे ऑफिस में होते हैं। ये पिछले साल जून माह में थाना कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज किया गया था दिल्ली निवासी ललित की शिकायत पर, जिसमें रिश्वत का मामला था सरकारी अधिकारियों द्वारा, जिसमें एक दलाल रामबीर के माध्यम से रिश्वत ली गई थी, जिसमें कुछ नगर निगम सोनीपत के अधिकारी संलिप्त थे, जिसमें मुकदमा दर्ज की तफ्तीश की जा रही थी। ACP NIT श्री विष्णु प्रसाद द्वारा
तफ्तीश में जो दलाल है रामवीर उसको गिरफ्तार किया गया और दौरान तफ्तीश से जांच में पाया गया कि तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र सिंह की भी संलिप्तता पाई गई। खबर फतेहपुर से है, जहां चांदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अमौली कस्बा चौकी क्षेत्र से महज 500 किलोमीटर की दूरी पर एक मकान में बनी दुकान के अंदर दबंगों ने दिन दहाड़े जमकर मारपीट करते हुए तोड़फोड़ करते हुए लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था, जिसका वीडियो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। वही पीड़िता ने नजदीकी थाने में तहरीर देकर बताया था कि अज्ञात लोगों ने डराते धमकाते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी और मकान खाली करने को कहा, जिससे परेशान होकर पीड़िता ने न्यायालय में याचिका दाखिल की। वही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता ने लिखित शिकायती पत्र देते हुए एसपी दफ्तर पहुंचकर दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। यही सब हमारे साथ होता है और उस दिन जाकर के ये सब जिसको वीडियो दिखाते हैं तो वीडियो कोई मानता नहीं है। अच्छा, घर में घुस के मारपीट? घर में घुस के मारपीट हुई है। अपना भी वो भी अपना ताला डाल गए हैं आगे शटर में, बाहर अंदर शटर में। आपको जो चेक दिया था वो भी बाउंस हो गया क्या? जो चेक दिया था उन्होंने वो भी बाउंस हो गई है। और दो लोग धमकी देते हैं कि हमको मकान दो। थाने गए, क्या सुनवाई हुई? थाने में वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, गए थे तो कोई सुनवाई नहीं हुई। एसपी आखिर क्या कहा? उन्होंने फोन किया कि आप थाने जाइए। ठीक है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। क्या चाह रहे हो? अब खबर गाजीपुर से है, जहां सीएचसी में एक चौंका देने वाली घटना सामने आ रही है। बता दें कि बुजुर्ग अपने हाथों पर खुद ही पट्टी बांध रहा है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। सीएचसी में खुद बुजुर्ग को अपना इलाज करना पड़ रहा है, पैर में घाव पर बुजुर्ग का पट्टी बांधते वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ये वीडियो में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही देखने को मिल रही है। वही वायरल वीडियो रेवतीपुर सीएचसी का है। इस मामले में अस्पताल कर्मियों की लापरवाही नजर आ रही है, जबकि सीएमओ बुजुर्ग को मानसिक रूप से बीमार कर मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं। भैया, आपके सामने ही हमारी बात हुई है अधिकारी अधीक्षक से, तो उन्होंने बताया है कि वो थोड़ा मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति है और सारे लोग वहां मौजूद थे और वो खुद ही पट्टी बांध रहा था। इस संबंध में कोई और पैसे का लेन देन नहीं हुआ है और वो अक्सर अस्पताल परिसर में आता रहता है दवा के लिए, तो और कुछ नहीं कहना इस पर। हरदोई में मंझीला इलाके में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार युवती की मौत हो गई। हादसे में युवती का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों भाई बहन एक शादी कार्यक्रम में आए थे और घर जाते वक्त हादसे में बहन की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही सूचना मिलने पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि मामले में तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं कन्नौज में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी का खुलकर समर्थन किया है और इस दौरान कहा कि जहां 9 क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां उनके समर्थन में ही चुनाव लड़ा जाएगा। कन्नौज के चुनाव में भाजपा पर नंगा नाच करने का भी आरोप लगा है। कहा कि भाजपा की ये जीत नकली जीत है, हजारों नकली आधार कार्ड मिलना इस योजना का धज्जा उड़ाना साबित होता है। वही छिबरामो विधायक अर्चना पांडे पर भी बरसे अखिलेश यादव ने कहा, हमें लोकतंत्र बचाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा और कन्नौज में बाकी सीटों पर हुई हार की 22 मई को सपा सुप्रीमो समीक्षा भी करेंगे। तो वहीं लखनऊ में ज्येष्ठ माह के दूसरे मंगल को जगह जगह सुंदरकांड पाठ और भंडारे का आयोजन हुआ। वैसे तो प्रत्येक मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन हनुमान जी के मंदिरों में लोग सुंदरकांड आदि पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले मंगलवारों को काफी शुभ माना जाता है। लोग दिन की शुरुआत सुंदरकांड और भंडारे के साथ करते हैं। वह इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी शरद सक्सेना ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते। ये भंडारा जिस तरीके से आज किया जा रहा है बड़े मंगल के अवसर पर, किस जगह पे हो रहा है और कब तक चलेगा? नर्रा बाबा चौराहे पे हो रहा है। पिछले 12 साल से मैं लगातार ये भंडारा करा रहा हूँ। हनुमान जी की इतनी जबरदस्ती को अपने आप द्वितीय मंगल 75% द्वितीय मंगल को भी हमने भंडारा कराया है और मैं लखनऊ कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। इसके बाद हम लोग कलेक्ट्रेट लखनऊ में भी चौथे मंगल को कराते हैं, हर साल कराते हैं।
लखनऊ में किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी के ब्राउन हॉल में ट्रांजिट नर्सेज स्टाफ ब्लॉक 2 का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लोकार्पण किया है। इस मौके पर कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय गीत केजीएमए कुल गीत और जल भरो के साथ हुआ और कार्यक्रम में ट्रांजिट नर्सेज हॉस्टल ब्लॉक 2 पर आधारित डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुतिकरण भी किया गया। वही लोकार्पण में कुलाधिपति केजीएमयू और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक उपस्थित रहे। इस अवसर पर आनंदीबेन पटेल ने कुलाधिपति नर्सेज को बधाई दी। उन्होंने कहा किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए सभी को आपस में मिलकर काम करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा सरकार के कार्यों का पालन देखने के लिए गांव का प्रवास करना चाहिए, इससे कार्यों की जमीनी असलियत का पता चलता है और कार्य भी समय पर होता है। तो वहीं लखनऊ में ज्येष्ठ महीने के दूसरे मंगलवार को जगह जगह सुंदरकांड का पाठ और भंडारे का आयोजन किया जाता है। यूं तो कहा जाता है कि हर मंगलवार का दिन हनुमान जी का होता है और इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। तो वहीं हनुमान जी के मंदिरों में लोग सुंदरकांड आदि की पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आए हैं। हो रहा है और कब तक चलेगा? नर्रा बाबा चौराहे पे हो रहा है। पिछले 12 साल से मैं लगातार ये भंडारा करा रहा हूँ। हनुमान जी की इतनी जबरदस्ती को अपने आप द्वितीय मंगल 75% द्वितीय मंगल को भी हमने भंडारा कराया है और मैं लखनऊ कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। इसके बाद हम लोग कलेक्ट्रेट लखनऊ में भी चौथे मंगल को कराते हैं, हर साल कराते हैं। रायबरेली में गर्मी की शुरुआत के साथ ही पानी की किल्लत भी शुरू हो गई है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने अनोखी पहल की है। दरअसल जिला प्रशासन ने जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया है। डीपीआरओ कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम के माध्यम से जिले भर में पानी की समस्या से निपटे जाने की योजना है। इस कार्य में जहां नगरीय क्षेत्र के लिए ADMFR पूजा मिश्रा को नोडल अधिकारी बनाया गया है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र के लिए डीपीआरओ को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जबकि नगरीय क्षेत्र में कहीं पानी की समस्या आती है तो एक फोन कॉल टैंकर को पहुंचाया जाएगा। पानी की कोई समस्या ना आए इसके लिए हम लोगों ने कुछ स्टेप्स जो हैं लिए हैं, जिसके लिए हमने कंट्रोल रूम भी एक स्थापित किया है जिसके नोडल DPRO साहब हैं। इसके अलावा हमने निर्देश सभी को दिए हुए हैं कि जहां पर भी रिबोर की ज़रूरत है हैंडपम्प की वो की जाए और उसके अलावा कोई भी अगर पाइपलाइन वगैरह क्षतिग्रस्त है तो उसकी भी मरम्मत की जाए। इसके अलावा अगर कहीं पर भी ज़रूरत पड़ेगी पानी टैंकर भिजवाने की तो उसको भी कराया जाएगा। इसके अलावा हमने और भी निर्देश दिए हैं कि गौवंश को या जो भी पक्षी हैं किसी को भी पानी की ना कमी आए उनके लिए भी जो है जल रखवाने के निर्देश दिए गए हैं। ये सब हमारी व्यवस्थाएं हैं और कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं हो पाएगी। इसके अलावा एक नंबर भी है, अगर कहीं पर भी दिक्कत हो तो वहाँ पर भी जो है लोग शिकायत कर सकते हैं, बट ये स्टेप्स हमने इसके लिए लिए हैं। शाहजहाँपुर में हर तरफ शोक की लहर दौड़ गई। सरदार पटेल हिंदू कॉलेज में विद्यालय प्रबंध समिति के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राजाराम मिश्रा के आकस्मिक निधन की खबर मिलने से शोक की लहर दौड़ गई है। मिश्रा एवं शिक्षक कृष्ण कुमार की माता शारदा देवी के आकस्मिक निधन पर SP कॉलेज में शोक सभा हुई। तो वही शोक सभा में प्रबंधक राजीव खन्ना ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजाराम मिश्रा के आकस्मिक निधन पर गहरी शोक संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि हमारे समाज से एक कुशल अधिवक्ता और उत्कृष्ट वक्ता चला गया है जिसकी भरपाई अब संभव नहीं है। वहीं DM समेत तमाम लोगों ने वरिष्ठ अधिवक्ता के अचानक निधन पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। हरदोई में एक नवजात शिशु का शव नदी में उतराता मिला। पूरा मामला बेटा गोकुल इलाके का है जहां एक नवजात शिशु का शव नदी में उतराता मिला है और कलयुगी मां के नदी में फेंकने की आशंका जताई जा रही है। पुल के नीचे नदी में शव मिलने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही अब मामले को शुरुआत करते हुए जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।